आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अगस्त्य जायसवाल है और जब मैं 2 साल का था तो मैं 300 प्रश्न के जवाब देता था और मैं जब 6 साल का हुआ तो मैं 3000 प्रश्न के जवाब देता था और अभी मैं 12 साल की उम्र में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ और मैं टाइपिंग सिर्फ ए टू जेड 2.72 सेकेंड्स में करता हूँ और मैं पियानो प्ले भी करता हूँ और गाने भी गाता हूँ और मैं टेबल टेनिस का राष्ट्र खिलाड़ी भी हूँ और आप सबके बीच मुझे सुख मिलता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी और आप जीत के अधिकारी हैं और हर बार सावधान रहना जरूरी है क्योंकि तकलीफ हमेशा अपने ही देते हैं वरना दूसरों को क्या पता आपको तकलीफ किस बात से होती है। जिसकी माता सत्य है, ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, शांति स्त्री है, दया मित्र है और क्षमा पुत्र है, ऐसे बंधन को मानकर चलने वाला कभी असफल नहीं होता। और सफलता का भी एक ही रहस्य है, कर्म कर्म और कर्म। राशियों में कुछ नहीं होता, सब कुछ कर्म में है क्योंकि राम रावण, कृष्ण कंस, गांधी गॉड से ओबामा ओसामा सभी एक ही राशि के हैं, परंतु कर्म अलग अलग है। इसीलिए आप अच्छे कर्म करो। पैसा तो हर कोई कमा लेता है पर खुशनसीब वो है जो परिवार कमा लेता है और आपको अच्छे संस्कार सीखना चाहिए। और मैं आप सभी से यह अनुग्रह करता हूं कि हिंदू धर्म से ज्ञान को अपनाओ, मुस्लिम धर्म से शक्ति को अपनाओ, ईसाई धर्म से प्रेम को अपनाओ, बौद्ध धर्म से शांति को अपनाओ, जैन धर्म से अहिंसा को अपनाओ और सिख धर्म से आनंद को अपनाओ और इन सभी धर्मों को मिलाकर ज्ञान शक्ति आनंद मिलाकर जीवन को सुखमय बनाओ। मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है पर अगर मेहनत कमिश्नर जी जैसी हो तो इतिहास बनाती है। गुरु त्याग की मूरत है और विद्यार्थी संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूं महान किसको, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और हार जीत कठिनाई उसी तरह सफलता प्रसन्नता जीवन में मुख्य भूमिका निभाती है और कठिनाइयां हम खुद बनाते हैं और उसे मिटाना हमारा कर्तव्य है। और अगर आप लक्ष्य को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपसे मिलाने लग जाती है। और पैसे नहीं काबिलियत कमाओ, सोच से बड़े बनो, उठो बीतो गिरो और रुको मत, चिंता को चिता बनाकर रखो, शक्ति को दया का सागर बनाकर रखो, मेहनत को मेहमान बनाकर रखो और सपनों को अपना बनाकर रखो और यह यकीन करो कि समय बलवान है और यह सोचने से वह आपको प्रसन्नता और सफलता देती है। यता हयेन चक्रन नतस्य गतिर भवेत एवं पुरुषाकारेण बिना देवम न सिद्ध्यति। जिस तरह एक पहिए के बिना रथ नहीं चल सकता, ठीक उसी तरह बिना पुरुषार्थ किए बिना किसी का भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। और इसलिए आप मातृभक्ति, पितृभक्ति और गुरु भक्ति का नित्य बोधन करो। विद्वत्वं च नुपत्वं च नैव तुल्यं कदाचिन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक राजा और विद्वान में तुलना कभी नहीं की जा सकती है क्योंकि एक राजा सिर्फ अपने राज्य में ही सम्मान पाता है परंतु एक विद्वान हर जगह सम्मान पाता है और विद्यादान ही सर्वोत्तम है। स्टूडेंट्स को तो तालियां बजानी चाहिए क्योंकि जब हम विद्या के बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को तो तालियां बजानी चाहिए। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्तो महारिपः, नास्तुद्योद्यमसो बंधुः कृत्वायाम न वसोदति। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और परिश्रम सबसे बड़ा मित्र होता है क्योंकि परिश्रम करने वाले कभी दुखी नहीं रहते।
इसीलिए नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी उसे पूरा करो, नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सतीशु जयते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्त दश सहस्रेषु दात भवति वाणवा। 100 लोगों में से एक वीर होता है, 1,000 लोगों में से एक विद्वान होता है, 10,000 लोगों में से एक अच्छा वक्ता होता है, और वहीं लाखों में बस एक दानी होता है, और विद्यादान ही सर्वोत्तम है। मन्नतों की मुराद दुआओं की देन, मालिक के मेहर का वरदान हूं मैं, महान माँ की ममता और असीम बाप की शफकत का असीमो शान ऐसा हूं मैं, इंसानियत का पुजारी छोटों का लाड प्यार और बड़ों का मान सम्मान हूं मैं, दुनिया सारी बन गई कुनबा, दुनिया में एकता के हसरतों का अरमान हूं मैं, नेकी मेरी शक्ति है और मैं किसी बात से डरता नहीं, और आप सबकी प्यार मोहब्बत सींचती है जज्बातों को मेरे, खुदा है मोहब्बत और मोहब्बत है खुदा, खुदा के मोहब्बत का फरमान हूं मैं, आज कोई खत्म हो जाए तो बख्श देना, आखिर गलतियों का पुतला एक छोटा मेहमान हूं मैं, और आज हम जो भी है मेरे माता पिता के वैसे ही है, इसलिए मैं कहता हूं कि माँ घर का गौरव है तो पिता घर का अस्तित्व है, माँ के पास अश्रु धारा है तो पिता के पास संयम होता है, 2 समय का भोजन माँ बनाती है तो जीवन भर का भोजन इकट्ठा करने वाला पिता होता है, और पिता एक वट वृक्ष है जिसकी शीतल छांव में संपूर्ण परिवार सुख शांति से रहता है। थैंक यू।